हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। स्वागत आपका सीएलसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, सीएलसी का ब्रह्मास्त्र, सीएलसी का यूनिक कॉन्सेप्ट, सीएलसी टेस्ट सीरीज का फर्स्ट स्टेप मिड सेशन टेस्ट सीरीज आपके सामने है। और यहाँ मिड सेशन टेस्ट सीरीज का थर्ड पेपर, जिसमें अपन बोटनी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो 46 से स्टार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। और इन क्वेश्चंस को आप करके और एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़िएगा, रीड नहीं कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट कहीं पर आपका लैक है या कोई आइडियाज लैक हैं, तो आप तैयार कीजिएगा टीम सीएलसी के साथ, और पूरे अपने डाउट्स आप भेज सकते हैं। वो सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी और एक एक क्वेश्चंस को आप परफेक्टली कीजिएगा। और बच्चों, इन पेपर्स के माध्यम से अपने टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होंगे, और टारगेट के वो स्टूडेंट्स जो 2024 में किसी कारणवश कुछ सफलता से कुछ कदम दूर रह गए, कुछ मार्क्स कम रह गए, 550 मार्क्स है या 600 है, 630 है, 640 है, किसी भी कारणवश मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, तो अपने सपनों को टूटने नहीं दीजिएगा। एक जुनून अपने दिल में जगाइएगा और साथ हो जाइएगा सीएलसी के। हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, पूरी सहायता आपकी करेंगे और हर तरीके से आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और बिल्कुल क्वेश्चंस को इस प्रकार तैयार कराएंगे कि 2025 में आप धमाल मचा देंगे और आप सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे। तो देखिएगा इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर बच्चों 46, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, कि दिए गए खतनों पर विचार करें और सही खतन को आपको चयन करना है। यानी क्वेश्चन में इस बात पर आप राउंड कर दीजिएगा, करेक्ट वन, करेक्ट को आपको ढूंढना है। ओके, अब बच्चों देखिएगा, इंसेक्ट रिप्रेजेंटिंग ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक फोर पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, कि कीट चार युग्म संधियुक्त पाद जैसी सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले जीवों का समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बच्चों, आप जानते हो किंगडम एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा और लार्जेस्ट जो क्लास है इंसेक्टा, और इंसेक्टा में आप समझ सकते हो थ्री पेयर जॉइंटेड लेग होते हैं, तीन जोड़ी संधि टांगे पाई जाती है, और यहां पर आपके सामने अपने क्या लिख दिया, फोर पेयर। इस कारण से क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। क्लियर, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। फिर देखिएगा, टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, कि बेटा जो वर्गीकी संवर्ग है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वो अपने आप में डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है, एकदम संवर्ग सुस्पष्ट जैविकी है, ना केवल आकार की समूह है। भाई कोई मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन नहीं है कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर करेक्टर बेसिस पे अपने कोई डिफाइन कर दी कैटेगरी। ओके, ये एनसीईआरटी का आपका लाइन है और पेज नंबर 8 पे 1.3 जो पैराग्राफ है उसमें अच्छे से दे रखा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग हो गया। आप समझ सकते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द हैबिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि जीवों के वर्गीकरण के लिए मूल आवश्यकता जीवों का निवास स्थान है। भाई हैबिटेट से कोई लेना देना नहीं है, हैबिटेट यहाँ ज़्यादा मीन नहीं है, उनकी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, उनके मॉर्फोलॉजिकल एंटोमिकल फीचर्स देखे जाते हैं, उनके आकार की या सारी के लक्षण देखे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ओनली हायर कैटेगरीज लाइक किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, तो ये भी रॉन्ग हो गया। भाई जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म का हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ओनली हायर कैटेगरीज, नॉट हायर कैटेगरी, जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है, 7 अविकल्पी श्रेणियां होती है, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो 46 क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड, जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, भी नीचे जो स्टेटमेंट है उनमें से इनकरेक्ट, ये देखिएगा, यानी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, और जब इनकरेक्ट पूछा है तो एक से ज्यादा अगर करेक्ट आ जाए तो गारंटीड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट।
यस, और एक से ज्यादा इनकरेक्ट हो तो क्वेश्चन में ऊपर क्या पूछा है करेक्ट, या ऑप्शन से भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं, क्लियर। तो यहां गलत कथन की बात अपने पूछी है, तो देखिए बच्चों, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो ऑल रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, कि जो इंडिका है, ट्यूबरोसम और लियो है, ये जाति विशेष से मेन बेटा, जैसे अपन बात करते हैं कि मेंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथ्रा लियो, तो ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आप समझ सकते हैं कि जैसे मेंजीफेरा इंडिका में इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम में सोलेनम जीनस है, ट्यूबरोसम स्पेसिफिक एपिथेट है, जो पोटेटो का बायोलॉजिकल नेम है, और पैंथ्रा जीनस है लियो, जो लॉयन का बायोलॉजिकल नेम है। तो आप समझ सकते हैं कि मेंजीफेरा वंश है इंडिका जाति विशेष से, और सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम जाति विशेष से और लियो, तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी जीनस कॉम्प्रोमाइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैविंग मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, आप जानते कि जो जीनस है, जीनस रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ क्लोजली कोरिलेटेड स्पीसीज, तो आप जानते हैं कि एक वंश में निकट संबंधी जातियों का समूह आता है, जैसे कि पैंथ्रा में लियो, टिग्रिस, पार्डस, ओके, और सोलेनम जीनस में सोलेनम ट्यूबरोसम, मेलोनजीना और नाइग्रम, यस और नो, तो ये भी करेक्ट है बेटा। और एक जीनस में जितनी स्पीसीज इंक्लूड होती है, कोरिलेटेड स्पीसीज, उनमें आपस में जितनी कॉमन करेक्टर या सिमिलरिटीज होती है अदर जेनर के स्पीसीज से, ज्यादा उनमें सिमिलर करेक्टर होते हैं, आप समझ सकते हैं अच्छे से। ओके, फिर देखो, फैमिली कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ मोर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, कुल में संबंधित वंशों का समूह होता है जिसमें अधिक संख्या में समानताएं होंगी, तो ये गलत हो गया, विथ मोर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, क्योंकि जैसे ही अपन स्पीसीज जीनस से नेक्स्ट हायर कैटेगरी पे जा रहे हैं फैमिली पे, तो अपन लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो सिमिलर करेक्टर या कॉमन करेक्टर डिक्रीज होते हैं। ओके, तो ये रॉन्ग हो गया, फैमिलीज आर करेक्टरिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। ओके, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि देखो, कुलों के वर्गीकरण का आधार पादप जातियों के कायिक और जनिक, कि अपन फैमिलीज में जब प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो वेजिटेटिव और फ्लोरल करेक्टर रिप्रोडक्टिव दोनों को यूज करते हैं, और ज्यादा सिग्निफिकेंस या मोर इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर। ओके, क्योंकि वो एनवायरमेंट से कम प्रभावित होते हैं। यस, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट हो गया, करेक्ट करेक्ट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, थर्ड। ओके भाई, तो आप समझ सकते हैं कि 47 का थर्ड है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, और बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 48 है, चूज द करेक्ट सेट, तो यहां देखो करेक्ट सेट की बात आ गई, ऑफ स्टेटमेंट आउट ऑफ द वंस गिवन बिलो, कि इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को, सही कथन को चुनना है। मैं दोनों लैंग्वेज में इसको मैं कर देता हूं, जीनस कॉम्प्रोमाइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज हैविंग मोर करेक्टर इन कॉमन, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जीनस फैमिली का ग्रुप नहीं होता बेटा, जीनस तो स्पीसीज कोरिलेटेड स्पीसीज, अभी बताया अपने क्लोजली रिलेटेड। ओके, उसके बाद देखो, अमंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथ्रा इज पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलेडी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, कि जो फेलेडी फैमिली है, फेलेडी फैमिली, तो उसमें रिलेटेड जेनेरा, तो आप समझ सकते हैं कि पैंथ्रा और फेलिस, पैंथ्रा और फेलिस, क्लियर। जैसे कि बेटा लार्ज कैट या जो रोरिंग एनिमल, उसके बाद स्मॉल कैट, तो ये टाइगर, लॉयन और पार्डस, फिर उसका कैट, तो ये किस फैमिली में, फेलेडी, यस और नो। और उसके बाद देखिए, ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर, तो देखिएगा ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, यानी रिलेटेड फैमिली से ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट होता बेटा, लेकिन यहां गलत बात होगी, नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर, ये गड़बड़ बात आपकी हो गई। ओके, और आप जानते हो ऑर्डर प्राइमेटा विच कॉम्प्रोमाइजेज एनिमल लाइक मंकी, कैट एंड डॉग, तो ये यहां बात गलत होगी, प्राइमेटा में तो मंकी है, एप और ह्यूमन की बात होती है, यहां पर कैट डॉग, तो ये रॉन्ग आपका हो गया। फिर देखिए, हायर द टैक्सा ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, तो हायर द टैक्सा ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशन टू अदर टैक्सा
अब सेम लेवल। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेकंड, यानी सेकंड और फिफ्थ वो है करेक्ट। तो ये करेक्ट है, क्लियर। तो सेकंड और फिफ्थ करेक्ट है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, कि इन स्टेटमेंट को अपन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपन को आगे जैसा क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देना है बच्चों। तो देखिए स्टेटमेंट अपन दिए एनसीईआरटी के, सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स डिक्रीज विद द डिक्रीज इन हायरार्की व्हाइल सिमिलरिटीज ऑफ द कैरेक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हायरार्की। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यदि अपन इफ वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब लोएस्ट कैटेगरी टू हाइस्ट कैटेगरी, देन सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज, और इफ वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज डिसेंडिंग ऑर्डर, तब सिमिलरिटीज क्या होता है, इंक्रीज। ओके, कॉनवोलुएसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ये करेक्ट है। ट्रिटिकम एस्टिवम बिलोंग टू ऑर्डर पोयल्स एंड क्लास डाइकोटिलेडोनी, व्हाइल मस्का डोमेस्टिका बिलोंग टू ऑर्डर डिप्टेरा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो बेटा देखो यहां ये रॉन्ग हो गई, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट है, बिलोंग टू ऑर्डर पोयल्स, ये करेक्ट है, एंड क्लास डाइकोटिलेडोनी, क्योंकि वो तो मोनोकोट फैमिली में आते हैं, एक बीजपत्री है भाई जो गेहूं रिए हैं तो। और आप जानते हो व्हाइल मस्का डोमेस्टिका बिलोंग टू द ऑर्डर डिप्टेरा और एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो बाकी तो करेक्ट नहीं, यहां रॉन्ग हो गया। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये करेक्ट हो गया। अब देखिएगा, ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन, ये करेक्ट है कि जो सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी, तो जो पर्टिकुलर कोई कैटेगरी है तो स्टेप या रैंक है, और स्पेसिफिक कैटेगरी ओपन टैक्सोन कहते हैं, ये बात आप समझते हैं। उसके बाद देखिएगा, सिस्टमेटिक हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉसिल विच गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट, अब करेक्ट सेट आपको यहां सही का समुच्चय चुनना बच्चों, कि सही का समुच्चय कौन सा है। तो यहां पर आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, यानी सेकंड, फोर और फिफ्थ। तो देखिएगा सेकंड करेक्ट है, फोर करेक्ट है, और क्या करेक्ट है, फिफ्थ करेक्ट है। और बच्चों आप जानते हो सिस्टमेटिक जो टर्म सिस्टम से आया, और लेटिन वर्ड सिस्टेमा से, और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जब अपन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल एंडोमॉर्फिक करेक्टर, और बाद में जब अपन इसका एरिया एक्सटेंडेड किया तो इवोल्यूशन रिलेशनशिप, यानी फॉसिल रिकॉर्ड से अपन को इवोल्यूशन रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उद्विकास अंतर संबंध, जातिवर्तीय संबंध की बात हुई। आप एनसीईआरटी में ये सारी लाइनें आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिएगा नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, आप समझ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जैसे हम वर्गीकरण पदानुक्रम में जातियों से जगत की ओर बढ़ते हैं, तो समान, यहां सामान्य अपन ज्यादा अच्छा लिखेंगे, समान लक्षण या समान विशेषताओं की संख्या। तो भाई अगर आप कहां से कहां जा रहे हैं, स्पीसीज टू किंगडम, तो स्पीसीज टू किंगडम जा रहे हैं तो असेंडिंग, यानी आप लोवेस्ट से हाईएस्ट कैटेगरी की ओर, तब तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, घटते हैं। यदि आप किंगडम से स्पीसीज जाएं तो बढ़ते हैं, तो यहां विल डिक्रीज। तो जो 50 क्वेश्चन है उसका आंसर होगा फर्स्ट, ओके, यानी कम हो जाएंगे समान लक्षण। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवों का परिभाषिक लक्षण या परिभाषिक विशेषता है। देखिए बच्चों, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होता है जो ऑल लिविंग में हो विदाउट एन एक्सेप्शन, सभी लिविंग में हो बट नॉन लिविंग में किसी में नहीं हो, उसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो, मतलब किसी भी नॉन लिविंग में नहीं हो, नॉट इन एनी नॉन लिविंग बट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, और इन दोनों फैक्ट्स का कोई एक्सेप्शन नहीं हो। तो जैसे जानते हो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सेप्शन, बैक्टीरिया सेल टू ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और कॉन्शियसनेस का मीन क्या होता है बेटा, कॉन्शियसनेस जो चेतना होती है कि जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उनको अपना लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट करके रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यस। और सेल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इस अर्थ की सभी लाइफ फॉर्म सेल ऑर्गेनाइजेशन को शो करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ग्रोथ,
ग्रो डिफाइनिंग नहीं है भी, ऑल लिविंग ग्रो, बट आप जानते हो कि नॉन लिविंग भी इंक्रीमेंट इन बायोमास करते हैं. एबिलिटी टू मेक साउंड, ये नहीं है भी. रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो फोर्थ आंसर इसका होगा. ओके, कॉन्शियसनेस से ही रिलेट है ये. तो बेटा देखो 51 क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट अपन चलते हैं देखो 52 क्वेश्चन. बिल्कुल क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स हैं, इजी वे के अंदर है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट ढूंढना है. क्लियर, तो आप समझ सकते हैं बेटो, इंडिका ट्यूबरोसम लियो रिप्रेजेंट द स्पेसी एपिथेट. बिल्कुल, इंडिका ट्यूबरोसम और लियो, जैसे अपने बताया कि मेंजीफेरा इंडिका मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, तो मेंजीफेरा जीनस जेनेरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट. आप समझ सकते हैं ट्यूबरोसम, तो सोलेनम जेनेरिक नेम है, ट्यूबरोसम स्पेसिफिक एपिथेट. पैंथ्रा लियो स्पेसिफिक एपिथेट, बोलो भी करेक्ट. सोलेनम मेंजीफेरा एंड होमो रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम, बिल्कुल सही है. ओके, जैसे अपना जीनस है होमोसेम होमो स्पेसिस सैम्पियन. मोनोकोटिलेडोनी एंड डाइकोटिलेडोनी आर द टू क्लासेज ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्म, बिल्कुल करेक्ट है बेटा. प्लांट का जो सबसे हायर डिवीजन है या जो सबसे सक्सेसफुल प्लांट है एंजियोस्पर्म, और डिवीजन एंजियोस्पर्म में टू क्लास है, डाइकोटिलेडोनी और मोनोकोटिलेडोनी. क्लियर, तो ये भी सही है. फाइलम कोर्डेटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ये गलत है. आप समझ सकते हो कि पूरे किंगडम एनिमेलिया का जो लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, और उसमें लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा, एवरी 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट हैं. ओके, तो क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा होगा बेटा, 4. क्लियर, क्योंकि आपसे पूछा है इनकरेक्ट. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बेटा. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, अच्छे से आप कीजिएगा. देखिए, मैच द एंटिटीज इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, स्तंभ फर्स्ट में मौजूद इकाइयों को स्तंभ सेकंड से अपन को मिलाना है. बच्चों देखो, यहाँ ऑर्डर्स दिए गए हैं, जैसे प्राइमेटा क्लास मैमेलिया का ऑर्डर है प्राइमेटा, बट उसमें मंकी ह्यूमन ये आएंगे, मंकी गोरिल्ला ह्यूमन ऐसा कुछ बता रखा आपको. ओके, अब यहां देखिएगा प्राइमेटा किससे, मैन भाई, प्राइमेटा मनुष्य का ऑर्डर है. ओके, डिप्टेरा, तो डिप्टेरा आप जानते हो यहां पर किसका, डिप्टेरा हाउस फ्लाई है. ओके, सेपेंडल्स, सेपेंडल्स मैंगो है. ओके, पॉयल्स, पॉयल्स व्हीट का है. ओके, और कार्निवोरा, तो कार्निवोरा किसका भाई, डॉग आ जाएगा यहां पर भाई. कार्निवोरा जो कैट डॉग या टाइगर लॉयन इन सबका, यानी जो कार्निवोरस मैमल्स हैं, मांसाहारी मैमल हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, कार्निवोरा. अब इसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा, थर्ड आंसर. तो थर्ड में देखिएगा ए का फिफ्थ है, यहाँ पर ए का फिफ्थ है. फिर देखिएगा बी का फोर है, तो बी का फोर है. फिर देखिएगा सी का थर्ड है, तो सी का थर्ड है. और स्पेसिफिक आप डी पे काम करना आपको, कि यहां देखिएगा जो डी है पॉयल्स, तो पॉयल वीड से, तो डी का सेकंड है भाई. ओके, तो बाकी ऑप्शन से इसको ऐसे आपको अलग करना है. ओके, डिस्टिंग करना है. क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा. तो ऐसे आपको बहुत ध्यान से ऑप्शंस को देखते हुए क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है यार. मेरे मोबाइल नंबर है 9461357946. आपको कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट से हो, कोई एनसीईआरटी की लाइन से हो, भाई धीरे धीरे अपन आगे से आगे क्वेश्चंस करेंगे, अभी आगे के टेस्ट देंगे, सब चीज़ें दूर हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, और बिल्कुल मुस्कुराइए यार, जिंदगी में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, डॉक्टर बनने वाले हैं, और बाकी तो लाइफ साइंस को, साइंस को सीख रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, और जब आप और हम साथ हैं तो अच्छा ही होगा. ओके, देखिए बेटा, इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की पहचान नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है. तो बच्चों जो क्या होती है, टैक्सोनॉमी. तो जो 54 क्वेश्चन है उसका 4 आंसर आपका होगा वर्गीकी. भाई वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा ना, इसमें जीवों के
सबसे पहले करेक्टराइजेशन लक्षणों का अध्ययन होता है, फिर आइडेंटिफाई होते हैं, फिर प्रॉपर कैटेगराइजेशन उनका होता है तो क्लासिफिकेशन, और जब रिकॉग्नाइज हो क्लासिफाई प्रॉपर हो जाता है तो नोमेनक्लेचर आप समझ सकते हैं, उनको एक नाम प्रोवाइड कर दिया जाता है, स्टैंडर्डाइज नेमिंग दे दी जाती है। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से गलत कथन को आपको चयन करना है इनकरेक्ट। और अगर आप पहले ऑप्शंस पे चले जाएं तो कभी भी फोर ऑप्शन का, चार ही ऑप्शन का क्वेश्चन हो और चार ऑप्शन में एक से ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं तो गारंटेड क्वेश्चन में क्या पूछा है इनकरेक्ट, और अगर एक से ज्यादा इनकरेक्ट आ रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या पूछा है करेक्ट। ओके अभी देखना, इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट ज्यादा आएंगे। ओके, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द किंगडम एनिमेलिया, कि ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला असाइन टू किंगडम एनिमेलिया, बिल्कुल सही भाई, जो फाइलम रिलेटेड फाइलम से क्या बनता है किंगडम। ओके, देन एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो ये गलत हो जाएगा ना, देखो बोलो, जैसे जैसे हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तो समान विशेषताओं की संख्या तो घटती है भी, घटती है भी, पहले क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बढ़ती नहीं है, घटती है। ओके, और डिफरेंट क्लासेज कॉम्प्रोमाइजेस फिश एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल्स टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फाइलम कोडेटा, बिल्कुल सही बेटा, कि जो फाइलम कोडेटा है उसमें पांच मेगा क्लास या पांच महावर्ग फिशीज एम्फीबिया रेप्टाइल्स रेप्टिलिया और आप जानते हो एवीज और मैमल्स। तो यहां देखिएगा कि बर्ड्स जो दे दिया एम्फीबिया, भाई फिशेज दे दिया एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड और मैमल, तो कोडेटा फाइलम हो ही गया ना बेटा। ओके, प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड द फैमिली लाइक सोलेनेसियन कॉनवोलसी बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल करेक्टर, कि पादप गण जो पॉलीमोनियल्स में दो फैमिली आती है बेटा, सोलेनेसी कॉनवोलसी, और ये सब अपन जो फ्लोरल करेक्टर के बेसिस करते हैं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। ओके, और अभी चैप्टर फर्स्ट में टैक्सोनॉमिकल ऐड हट गए तो आप जानते हो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे मेन फोकस करना है, नोमेनक्लेचर रूल्स पे फॉलो करना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बाद में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टू किंगडम की डीमेरिट फाइव किंगडम, और उसके बाद आप समझ सकते हो बेटा कि आप किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई, यस, फिर जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल नेचुरल नेचुरल फाइलोजेनेटिक, और जो आप किंगडम प्लांटी में एल्गी ब्रायोटेड, वो नेक्स्ट प्लांट किंगडम की बात होगी। यस, ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन नंबर बच्चों 56 है, तो यहां पर देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 56 में द बॉक्स प्रोवाइडेड कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हाउ मेनी डिफरेंट जेनेरा दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग, कि दिए गए बॉक्स में विभिन्न जीव हैं, ये जीव कितने अलग अलग वंशों से संबंधित, तो देखिएगा टाइगर पैंथरा टिग्रिस और पैंथरा पार्डस लेपर्ड, मतलब बाघ और तेंदुआ, तो बाघ और तेंदुआ तो एक जीनस से हो जाएंगे पैंथरा, एक एक जीनस लिख देता हूं मैं, पैंथरा टिग्रिस और पैंथरा पार्डस। ओके, फिर देखो बिल्ली, तो बिल्ली आप जानते हो फेलिस, फेलिस जीनस में आएगी तो दो जीनस हो गए, आम तो आम आएगा मेंजीफेरा मेंजीफेरा। ओके, फिर वीट, वीट आप समझ सकते हो कि ट्रिटिकम है ना, ट्रिटिकम में आ गया। ओके, फिर चावल भी, लेकिन चावल आप समझ सकते हैं बेटा ओराइजा सेटाइवद है, बैंगन आलू मकोई ये सारे किस्में आ गए सोलेनम में। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, तो 56 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा भाई, यस और नो आराम से निकाल बेटा, है ना। तो आप जानते हो कि जैसे वीट और राइस दोनों सरल सा अनाज है मोनोकोट है, लेकिन वीट राइस का अलग अलग है, ब्रिंजल पोटेटो मकोई इन तीनों का सोलेनम है, सोलेनेसी फैमिली में। ओके, नेक्स्ट आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड द ओड वन इन रेफरेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, विषम श्रेणी इन वर्गीकरण में आप चयन करें, तो देखिए बेटा म्यूसिडी सेपनेडेल्स प्राइमेटा पोएल्स, तो देखिए प्राइमेटा ऑर्डर है, सेपनेडेल्स ऑर्डर है, पोएल्स ऑर्डर है,
यहाँ बेटा प्राइमेटा, सेपनी, डेल्स और पोल्स ये तो गण हैं, लेकिन जो म्यूसिडी वो फैमिली है, जो हाउस फ्लाई होती है उसकी फैमिली है। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि ओड वन, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। तो आंसर इसका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ध्यान से सुनिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 58। ओके, तो 58 जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि भाई कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ओके, तो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिप्रेजेंट बायोडायवर्सिटी, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, कि बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता है ना बेटा, तो बायोडायवर्सिटी में बायोस लाइफ, डाइवर्स फॉर्म, तो जो जैव विविधता होता है, बायोडायवर्सिटी स्टैंड फॉर नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये सही है बेटा, है ना। फिर देखो द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको स्टैंडर्डाइज नेम देना, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम देना, वैज्ञानिक नाम प्रदान करना नामकरण है, नोमेनक्लेचर है। ओके, ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, बेटा यहाँ 4H है, O5 सही है, वेयर ICN, ये इसको सही से पढ़ना है, ICZN पढ़ना है, ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो ये भी करेक्ट है। और आप समझ सकते हो द टू कंपोनेंट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर फैमिली एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये गलत हो गया बेटा, कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो टू वर्ड थे वो थे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, इंडिका किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को, तो ये यहां पर फैमिली कुल दे दिया, ये गलत दे दिया। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, बिल्कुल ये करेक्ट है, कि मेंजीफेरा इंडिका जैसे कि प्रिंटेड होंगे तो इटैलिक में, और इफ हैंड रिटन देन सेपरेटली अंडरलाइन, और ये इंडिकेट करता है इनकी लैटिन ओरिजिन को, बहुत अच्छा लाइन है एनसीईआरटी का, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देर आर मेनी कैटेगरीज रैंक इन क्लासिफिकेशन एंड आर जनरली रेफर टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा, क्यों, देर आर मेनी कैटेगरीज रैंक इन क्लासिफिकेशन आर जनरली रेफर टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा, भाई टैक्सोनॉमी का प्लूरल और जो सारी कैटेगरीज है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, और सिंगल कैटेगरी जो है रिप्रेजेंट रैंक और आप समझ सकते हो कि, तो द साइंटिफिक नेम ऑफ द हाउस फ्लाई वीट एंड लॉयन मस्का डोमेस्टिका ट्रिटिकम एस्टिवम एंड पैंथ्रा लियो। ओके, तो ये भी करेक्ट है बेटा, कि हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, और आप समझ सकते हो कि पैंथ्रा लियो, बिल्कुल ये आपको देखो इटैलिक में लिख रखा हमने, वो प्रिंट कर रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब इनमें से करेक्ट आपको चूज करना है। तो देखिए बच्चों यहां पर जो करेक्ट है वो थर्ड होगा, कि ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन, तो सारे स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट जो रॉन्ग है। ओके, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आपको तैयार कर गया, तो बेटा ऐसे ही तो इन क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन से या पूरी एनसीईआरटी आपको तैयार करनी है। अरे भाई कोई भी डाउट होगा प्यारे बच्चों, हम आपके हर तरीके से साथ हैं, सीएलसी आपके साथ है, 9461357946। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, गिवन फिगर इज ऑफ ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, आइडेंटिफाई द एल्गी ए, तो बच्चों ए कहाँ है, ये ए, ठीक है, एंड द पार्ट्स मार्क बी एंड सी, भाई ए तो ये ऑर्गेनिज्म है और जो बी और सी इसके पार्ट हैं। ओके, तो देखो ना ये ए क्या है, साइनोबैक्टीरिया है नोस्टोकैनाबिना, और आप जानते हो साइनो जीवाणु नोस्टोकर एनाबिना, और आप समझ सकते हो बी, बी हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट, ठीक है ना बेटा, हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, हेटेरोसिस्ट, और निप जीन इनमें होता है नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, तो ये आप समझ सकते हो कि एन टू फिक्सिंग परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये जो सी है बेटा, ये म्यूसिरिजिनेसिस या जिलेटिनस सीथ है, तो अकॉर्डिंग ऑप्शन देखिएगा, ए जिलेडियम नहीं हो सकता, जिलेडियम तो रेड एल्गी है, ए वोल्वोक्स नहीं हो सकता, ए कारा नहीं हो सकता, यहीं पे देखो आंसर नोस्टोक, बी हेटेरोसिस्ट और सी म्यूसिलेजिनेसिस सीथ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और एनसीईआरटी की लेबलिंग है। ओके, और नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60,
विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। निम्न में से कौन से जीवाणु नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा, सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनःसंकरण रिसाइक्लिंग में, तो आपको पता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोटोट्रॉपिक। आप समझ सकते हैं जनरली अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया या नाइट्राइट, इनका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि एक प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया कन्वर्ट इंटू नाइट्राइट और देन नाइट्राइट कन्वर्ट इंटू नाइट्रेट। बच्चों ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और यहाँ दो बैक्टीरिया रूल होंगे, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो ये क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करते हैं और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ट्रैप्ड इनटू एटीपी और अदर सोर्स से हाइड्रोजन को पिक करता है एनएडी, और फिर ये आप जानते हो CO2 फिक्सेशन मतलब शुगर सिंथेसिस करते हैं। तो ये कीमोटोट्रॉप्स हैं। यस, तो यहाँ पर बेटा देखो कि कीमो हेटरोटोबैक्टीरिया, नो। कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यस। पैरासिटिक बैक्टीरिया, नो। और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, नहीं। यस बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। जब बैक्टीरिया में अपन यू बैक्टीरिया हेडिंग में वहाँ बीजीए के कुछ कैरेक्टर बताने के बाद वापस बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन बता रखा आपको, तो वहाँ पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 61। डायटम हैव इनडेस्ट्रक्टिबल वॉल्स, गेट डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ ओशियन एंड फॉर्म ए थिक लेयर और बिलियन ऑफ ईयर्स। इट इज़ वेरी ग्रिटी एंड यूज इन प्रोडक्शन ऑफ पोलिस, सिर्फ या ईटीसी जो भी है। तो बच्चों देखो कि डायटम की भित्ति इनडेस्ट्रक्टिबल, क्योंकि सिलिका पार्टिकल इम्प्रेगनेटेड या सिलिका पार्टिकल एम्बेडेड होते हैं, तो बहुत हार्ड भी होते हैं, सिलिके से सेल है, और जब उसके रिमेन पार्ट बॉटम में डिपोजिट होते रहते हैं बिलियन ईयर्स तक, तो डायटमस सॉइल। यस, तो बेटा देखो कि ये स्यूडो रॉक की बात हो गई, उसके बाद डायटमसिस अर्थ, तो डायटमस अर्थ आपका सेकंड आंसर हो गया। भाई जो 61 क्वेश्चन है उसका जो आपका आंसर है बच्चों, तो वो क्या है भाई, डायटमसिस अर्थ, मतलब सेकंड आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 62। रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कि गर्म तटीय जल में लाल ज्वारे। तो आप जानते हो कि बेटा जो डायनोफ्लेजेट्स है, डायनोफ्लेजेट जब रैपिडली डिवाइड होते हैं तो रेड टाइड्स, जो रेड डायनोफ्लेजेट्स आप जानते हो कि रेड टाइड्स उत्पन्न करते हैं, लाल तरंगे, है ना। तो आप देखते हैं वहां पर गोनियोलक्स आपका होता है, तो डायनोफ्लेजेट्स, डायनोफ्लेजेट्स आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। तो प्यारे बच्चों स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। इन दिस ग्रुप द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट टिप्स। बिल्कुल सही है, इस समूह में प्लाज्मोडियम विभेदित होता है और फलनकाय बनाता है सिरे पर बीजाणु, ये स्लाइम मोल्ड के करेक्टर्स हैं। और देखिएगा कि स्पोर पॉजिटिव ट्यूबल्स, तो जानते हो कि जो स्लाइम मोल्ड है सेप्रोट्रॉप प्रोटिस्ट हैं, और बच्चों आप जानते हो कि स्लाइम मोल्ड की वेजिटेटिव स्टेज में कायिक अवस्था में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन जो उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है स्पोर स्टेज होती है उस पर ट्री वॉल्स होती है। यस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, ये भी करेक्ट है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। और द स्पोर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। जानते हो उनके बीजाणु जो वॉल होती है तो प्रतिकूल परिस्थिति में कई वर्षों तक एडवर्स कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं बेटा, ये भी करेक्ट है। तो द अबोव स्टेटमेंट असाइन टू, ये जो सारे स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, स्लाइम मोल्ड, ओके, अवपंग कवक। तो वहां देखते हो ना, जाइगोड से यंग प्लाज्मोडियम, फिर वो एनगल्फ डेड लीफ हो रही, और फिर प्लाज्मोडियम और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन डिफरेंशिएट, तो फ्रूटिंग बॉडी टिप पर स्पोरेंजिया, फिर स्पोर और स्पोर फॉर्म होते हैं, और जैसे वो मतलब स्पोरेंजिया रप्चर होती है तो स्पोर डिस्पर्सल होते हैं बाय एयर, और स्पोर ट्रू वॉल को पोजेस करते हैं, सत्य भित्ति को धारण करते हैं। तो ये सारी बातें हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिए बच्चों की जो 64 क्वेश्चन है कि इन एस्कोमाइसिटीज के फंजाई में जो एस्कोमाइसिटीज क्लास है, इन एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस स्पेशियल जो माइसीलियम होते हैं एक्जोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडिया। बच्चों आप जानते हो फंजाई में जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, तो ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में जब अलैंगिक जनन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, तरह तरह के स्पोर बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो ग्रुप होते हैं, एंडोजेनसली और एक्जोजेनसली। एंडोजेनसली में भी मोटाइल जू स्पोर,
नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर, ये तो फाइकोमाइसिटीज में, बट एस्कोमाइसिटीज में आप जानते हैं कि एक्जोजेनसली और वो नॉन मोटाइली होते हैं कोनिडियोफोर पर, कोनिडियोस्पोर। और आप जानते हो कि बेसिडियोमाइसिटीज में जनरली एसेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड। यस, ऐसा लिख रखा है कि बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में सामान्यतः एलिंगी बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इन एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एक्जोजेनसली आएगा, ऑन स्पेशियल माइसिलियम कोनिडियोफोर आएगा, वेयर सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस आप समझे एंडोजेनसली और वो एस्कोस्पोर आएगा। क्या आएगा बच्चों? एस्कोस्पोर। तो देखिए कि यहां पर क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, एक्जोजेनसली कोनिडियोफोर, एंडोजेनसली एस्कोस्पोर। जानते हो बेटा कि जो एस्कोमाइसिटीज है उसमें एसेक्सुअल स्पोर तो एक्जोजेनसली स्पेशल माइसिलियम कोनिडियोफोर पे, और जो सेक्सुअल होते हैं एंडोजेनसली, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और एस्कस या एसआई जो सब प्लूरल होता है, कि एस्कोमाइसिटीज में जो लैंगिक बीजाणु अंतर्जात होते हैं एस्कस में, हाँ है ना, और उनको सैक फंजाई भी कहते हैं अपन। तब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी बातें क्लियर कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है यार, कुछ एक आधा क्वेश्चन लेंथी भी हो, क्या प्रॉब्लम है, लाइन टू लाइन क्लियर तो हो रही है, और संघर्ष करोगे अच्छा पढ़ोगे तो गारंटीड अपनी सफलता भी पहुंचोगे, और बाकी हम साथ हैं ना। ओके, आप समझ सकते हैं कि हर तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ सीख कर आ सकते हैं, हॉस्टल्स में रह सकते हैं, यहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनके डाउट्स के लिए फैकल्टीज अवेलेबल हैं, सब चीज़ें हैं। सीएलसी एक पूरा गांव की तरह है, यानी सीएलसी एक पूरा सिस्टम है, खुद के हॉस्टल्स हैं, 2000 से ज़्यादा गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, बॉयज़ हैं, हर तरीके से सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, और बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और एक एक चीज उनको उपलब्ध कराते हैं। और इस प्रकार आप जानते हो कि यूनिक क्वेश्चन और एनसीईआरटी ऑन टिप्स करवाते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन पैरासाइट ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, कि बेटा जो फंगई का क्लास बेसिडियो उसमें आप जानते हो कॉमन पैरासाइट रस्ट और स्मट, शुरू में लिख रखा रस्ट और स्मट डिजीज, किट और कंड रोग, तो पक्सीनिया, और आप जानते हो ऑस्ट्रेलेगो, तो यहाँ पर देखिएगा ऑस्ट्रेलेगो पक्सीनिया, पहला ही लाइन है, पहला क्वेश्चन आपका इजीली आंसर हो गया। एगेरिकस तो मशरूम आपका होता है, ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरो से रिलेटेड होता है, अल्टरनेरिया ड्यूटेरो है, कोलेटोट्राइकम ड्यूटेरो है, कोलेटोट्राइकम ड्यूटेरो है, पक्सीनिया। और यहाँ पर आते बेस्ट आंसर आपका क्या हुआ? फर्स्ट वन। यस, अच्छा है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ वायरस, विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई ए बी सी। देखिए नीचे एक वायरस का आरेख है, कौन सा विकल्प ए बी सी को सही ढंग से, बेटा ये टीएमवी है, टोबेको मोजेक वायरस, फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड। यस, जो इवानोस्की ने रिकॉग्नाइज किया टीएमवी, टोबेको मोजेक वायरस, फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड जो स्टानले ने किया, और एम डब्ल्यू बेंजरेनिक ने कॉन्टेंजियम वायुम फ्लूडम। आप जानते हो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कोड कैप्सिड यूनिट कैप्सोमियर, और आप जानते हो कि 2130 यानी 2130 कैप्सोमियर हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या है, एसएसआरएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी टोबेको मोजेक वायरस, एसएसआरएनए। ओके, जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आप समझ सकते हो कि ये कंप्लीट क्या होगा, कैप्सिड, और एक सिंगल क्या होगी, कैप्सोमियर। तो देखिएगा यहाँ आरएनए बी, लेकिन आप समझ, ए आरएनए, बी कैप्सिड, और सी कैप्सोमियर। तो थर्ड आंसर यहाँ बेस्ट बैठ रहा है, थर्ड आंसर। ओके, देखिए बच्चों क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन 67, तो देखिएगा 67 क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, और देखिए बेटा यहाँ एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है, खतन और कारण का। द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट था बच्चों। देखिए कि दो जगत अवधारणा को लंबे समय तक उपयोग करना अपर्याप्त था, क्योंकि दो जगत में टू किंगडम बनाए, प्लांटी और एनिमेलिया, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी, एबसेंट है तो एनिमेलिया। तो वहाँ न तो आप जानते हो कि प्रोकैरियोट नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएशन हुआ ही नहीं, यूनिसेल और मल्टीसेल दोनों ही किंगडम में थे, और फंजाई जो कि हेटरोट्रॉप है, ऑटोट्रॉपिक ग्रुप एल्गी के साथ था, तो कई सारी उसकी डीमेरिट्स थी, और बाद में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ क्राइटेरिया चेंज हुए, तो थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, हाँ देखिएगा बहुत अच्छी लाइनें लिख रखी है, फिर फाइव किंगडम को एक्सप्लेन करके वापस टू किंगडम में, जैसे कि एक पॉइंट है कि बैक्टीरिया, बीजीए, फंजाई, मोसेज, फर्न, है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट में है, क्योंकि एक ही करेक्टर है सेल वॉल, बट जैसे ही फाइव किंगडम आया तो
बैक्टीरिया बीजिए तो मोनेरा में, और आप समझ सकते हो फंजाई सेपरेट किंगडम, और बाकी प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा बच्चों कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकेरट एंड प्रोकेट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ग्रीन एल्गी और फंजाई। तो वर्गीकरण की दो जगत प्रणाली यूकेरट और प्रोकेरट में, एक कोश के बहुकोश के जीवों में, और हरे शैवाल और कवक के बीच अंतर ही नहीं कर पाया था, उनको अलग अलग ही नहीं कर पाया था बेटा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, और आप समझ सकते हो उसमें फर्स्ट आंसर आपका कि इफ बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, भाई ए और आर खत्म दोनों सत्य हैं, और आप जानते हो कि जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप देखिएगा 68। किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक बिटवीन मोनेरंस एंड द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एनिमल फंजाई। बिल्कुल सही बेटा, कि आप देखते हो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में ये मोनेरा है जो टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब आप जानते हो सेकंड मोड लिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और इसी से आपके मल्टीसेल से निकले। तो आप जानते हो देखो किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक बिटवीन किंगडम ऑफ प्रोकेरियोट मोनेरा और अदर थ्री मल्टीसेलुलर यूकेरियोट। तो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट अदर हैंड पे है और प्रोकेरियोट एक हैंड पे, बीच में आपका क्या है प्रोटिस्टा। यस, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर है कि प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। यानी बेटा फर्स्ट टाइम ट्रू सेक्सुअल सत्य लैंगिक जनन किसमें आया, प्रोटिस्टा में। लेकिन आप जानते हो कि वहाँ सिंगल सेल थी, माइटोटिक होकर दो सेल का ही फ्यूजन हो गया, तो सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन, बट फिर भी फ्यूजन मतलब सिनगेमी, तो ट्रू सेक्सुअल। तो आप जानते हैं कि स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, वैसे कोई एक्सप्लेनेशन की यहाँ बात है नहीं। ओके, तो देखो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये आपका दे रखा है फोर्थ ऑप्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट आप देखिए बच्चों 69। मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम को अपन को मैच करना है, और ये फंजाई से रिलेटेड है। देखो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, सरसों पर परजीवी कवक, और रस्ट एंड स्मट डिजीज। ओके, और यूज इन जेनेटिक वर्क एडिबल डिलीशियस ब्रेड मोल्ड। तो आप जानते हो बेटा, देखो यहाँ पर मैं बताऊंगी, यूज्ड इन जेनेटिक वर्क न्यूरोस्पोरा, रस्ट एंड स्मट, तो रस्ट एंड स्मट पक्सीनिया और ऑस्टिलेगो। और देखिएगा कि ये जो डिलीशियस है, ये आप जानते हो कि मोरेल्स ट्रफल बफल, ये मोरकेला। ओके, और आप समझ सकते हो कि पैरासिटिक फंजाई में मस्टर्ड कौन है, एल्बुगो, और ब्रेड मोल्ड तो ब्लैक ब्रेड मोल्ड राइजोपस। क्या है बच्चों, राइजोपस। ओके, तो बिल्कुल आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, और बहुत अच्छे एग्जांपल भी सारे किसके हैं, एनसीईआरटी के ही हैं। क्लियर, तो यहां पर देखिएगा कि जो फोर है, ए ए में देखिएगा आप आराम से, ए में फोर हो रहा है एल्बुगो। ओके, बी, तो बी में यहां देखिएगा सेकंड, तो पक्षी ने ऑस्ट्रेलिया। सी में क्या है, फर्स्ट न्यूरोस्पोरा, तो करेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम टू वायरस बिलोंग। बेटा कि वायरस आउटसाइड होस्ट इनर्ट पार्टिकल्स हैं, और आउटसाइड होस्ट वो इनर्ट पार्टिकल है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, होस्ट के इनसाइड ही वो रेप्लिकेट कर सकते हैं उसकी मशीनरी को टेकओवर करके। तो बेटा आप जानते हो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया, तो यहां पर आपका आएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। विथ रेस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो तुम जानते हो बेटा कि जो फंगाई है ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोडक्शन, उनमें तीन स्टेप होती है, प्लाज्मोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, प्लाज्मोगेमी, देन न्यूक्लियस फ्यूजन कैरियोगेमी, एंड आप समझ सकते हैं कि आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन टू एन स्ट्रक्चर तुरंत ही इमिडिएटली जाइगोटिक मियोसिस यानी मियोसिस इन जाइगोट। तो लिख रखा है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए, सिंपल भी है। नेक्स्ट आप देखिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को चुने। तो प्यारे बच्चों यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट को अपन को सिलेक्ट करना है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, कि कवक और पादप के सदस्यों में कोशिका भित्ति मौजूद है, बिल्कुल करेक्ट है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, बिल्कुल करेक्ट है भाई, मशरूम होती है ना बेसिडियो से रिलेटेड है, एगेरिकस है ना। और आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर्स ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, कि फाइव किंगडम में अगर अपन मोनेरा को छोड़ दें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बाकी फोर किंगडम प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट एनिमल है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यूकेरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन या यूकेरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स,
और आप समझ सकते हो कि जनरली माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी लिविंग यूकेरियोट का कैरेक्टर है क्योंकि रेस्पिरेशन उनका कैरेक्टर होगा। तो बच्चों ये भी कैरेक्टर, स्यूडोपोडिया आर द लोकोमेटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन, ये गलत है बच्चों, क्योंकि स्पोरोजोन तो पैरासिटिक, कंप्लीटली पैरासाइट प्रोटोजोन्स हैं और उनमें कोई भी लोकोमेटरी ऑर्गन, कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होगी, ना उनमें फ्लैजिला, ना उनमें सीलिया या स्यूडोपोडिया। स्पोरोजोन आप समझ सकते हो कि एंडोपैरासाइट्स हैं, क्लियर। तो ये आप समझ सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2018 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखिएगा 73, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स, पक्ष्मा भी प्रोटोजो अन्य सभी प्रोटोजो से भिन्न होता है। बच्चों कैसे, कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें टू न्यूक्लियस होते हैं। आप वहाँ एन साइड में पैरामीशियम का डायग्राम, एक मैक्रो न्यूक्लियस एक माइक्रो न्यूक्लियस। तो देखिए यूजिंग स्यूडोपोडिया कैप्चरिंग पर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि सीलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीशियम तो सीलिया के थ्रू फूड को ग्लैंड की तरफ धकेलेगा। हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये तो सही है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमेशन, तो जब सीलिया तो फ्लैजिला क्यों। हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इसमें वो सेपरेट बैठ, दो प्रकार के न्यूक्लियस होंगे, मैक्रो और माइक्रो। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों 74, द गिवन स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि नीचे एक जो खतन आपको दिए गए स्टेटमेंट वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, कि उनमें सेल वॉल नहीं होती है बट इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल जो उनको फ्लेक्सिबल बनाती है। तो बच्चों आप जानते हो यूग्लेनोइड में ऐसा होता है, और दे हैव टू फ्लैजिला ए शॉर्ट और लॉन्ग वन, तो ये भी यूग्लेनोइड कैरेक्टर है। दे सो मिक्सोट्रॉफिक, कि जब सनलाइट होती है तब तो ऑटोट्रॉफ बट डेप्राइव्ड सनलाइट, यानी सनलाइट के एब्सेंस में वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। कनेक्टिंग लिंक है, तो ये सारे कैरेक्टर किससे बेटा, यूग्लेनोइड से, एनसीईआरटी है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, और हर टाइप की स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखिए 75, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म, फिगर में जो है भाई ये SSRNA, ये TMV का डायग्राम है, पहले भी अपन बता चुके हैं। तो इट्स जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ RNA एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रोफिल्टर, ये करेक्ट है। दिमित्री वानोस्की रिकॉग्नाइज द माइक्रोब एज द कोजल माइक्रोऑर्गेनिज्म मोजेक डिजीज, ये भी करेक्ट है। इन एडिशन टू प्रोटीन दे ऑल्सो कंटेन DNA, गलत बात भाई, इनका जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो नो वायरस कंटेंट बोथ RNA DNA, आप जानते हो आइदर RNA और DNA, किसी एक वायरस में एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। बस क्वेश्चन आपका हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, डायटमसिस अर्थ इज यूज्ड ऑल एक्सेप्ट, जो डायटमी मरदा वो ग्रिटी होती है बेटा, कणे की ग्रिटी। तो बच्चों आप जानते हो कि पॉलिशिंग में, स्टोन पॉलिशिंग में फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिर्फ मेकिंग द साउंड प्रूफ रूम और बायोगैस प्रोडक्शन नहीं होगा। बाकी आप जानते हो स्टोन पॉलिशिंग में, तेल या सिर्फ के फिल्ट्रेशन में, और साउंड प्रूफ या जो हीट इंसुलेट होते गीजर्स, गीजर में जो हीट इंसुलेट लेयर होती है या जो नाभिक की भट्टियां होती है उनमें हीट इंसुलेटर के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, वो यूज होते हैं, बट बायोगैस प्रोडक्शन में तो कोई मतलब ही नहीं, वहां तो मिथेनोजेंस होते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा 77, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैराइन एनिमल सच एज फिशेज। तो आप जानते हो कि जो मैराइन हैबिटेट में डायनोफ्लेजेट्स होते हैं उनमें गोनियोलैक्स, तो वो क्या है टॉक्सिक रिलीज करते हैं, तो अदर जो मैराइन एनिमल है फिशेज के लिए वो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि रेड डायनोफ्लेजेट गोनियोलैक्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 78, विच स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग इन रेस्पेक्ट टू माइकोप्लाज्मा, कि माइकोप्लाज्मा के संबंध में कौन सा गलत है। कि देखिए बच्चों माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, बिल्कुल सही, अब तक आइसोलेटेड जो सबसे छोटी कोशिका है। दीज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि वो फैकल्टेटिव एनारोब है, जनरली एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। यस, अब देखिए बच्चों ध्यान से आप बहुत परफेक्टली, कि माइकोप्लाज्मा कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल प्रोफिल्टर, ये भी पॉसिबल है, और आप जानते हो द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा से जिनमें कोशिका भित्ति पूरी तरह से नहीं होती, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो बच्चों देखिएगा कि जो 78 क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो थर्ड है, यानी ओनली डी स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा कैन नॉट पास थ्रू, अरे भाई बैक्टीरिया प्रोफिल्टर से पास हो जाएंगे ना वो, तो ओनली डी स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा तो बैक्टीरिया से स्मॉल है भाई, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा 79, विच स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत के संबंध में कौन सा खतन गलत है बच्चों,
इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, सही है। अकॉर्डिंग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सारे के सारे जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट है एकोष्की सस्यम केंद्रिक संगठन उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ये भी करेक्ट है। क्राइसोफाइट डायनोफ्लेजेड यूग्लेनोइड स्लाइम ओल्ड प्रोटोजोन्स इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा, ये भी करेक्ट है। और ऑल प्रोटिस्टा आर यूकेरियोट एक्लोरोफिलस हेटरोट्रोफिक नॉनस, ये गलत हो गया। ओके तो केवल फोर कि प्रोटिस्टा में यूकेरियोट एक्लोरोफिलस हेटरोट्रोफिक है, प्रोटिस्टा में तो प्लांट लाइक ऑटोट्रोफ भी आते हैं, एनिमल लाइक हेटरोट्रोफ भी आते हैं, हाँ है ना। और ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट इरेस्पेक्टिव देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ भी हो चाहे वो ऑटोट्रोफ हो हेटरोट्रोफ हो, मतलब होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी प्रोटिस्टा के मेंबर में होता है प्लांट लाइक में और होलोजोइक भी होता है, बट आप समझ सकते हैं कि वहां न्यूट्रिशन को रेस्पेक्ट देना ही नहीं है ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट। बट ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप जानते हो कि जो क्वेश्चन का आंसर है यानी ओनली फोर, ये देखिए। ओके नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि इनमें से कितने स्टेटमेंट है बेटा जो करेक्ट हैं, सही हैं। तो देखिएगा फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी, फंजाई में दो हैप्लोइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो उसको कैरियोगेमी कहते हैं, सही है। स्पोर ऑफ स्लाइम ओल्ड पॉजिट्रिवल्स, ये भी सही है, पहले आ गया। पिगमेंट ऑफ यूग्लेनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्रेजेंट हायर प्लांट, ये भी करेक्ट है। डायनोफ्लेजेड में भी लेथल फॉर मैराइन एनिमल, हाँ अदर फिशेज के लिए लेथल हो सकते हैं ना, घातक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है। बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, ये भी करेक्ट है। मेजोरिटी ऑफ द हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया सेप्रोफाइट होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, ऑस्मोट्रोफ भी हैं तो डिकम्पोजर है, सही है। बीजीए कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिन शीट, ये भी करेक्ट है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा यहाँ पर। ओके तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ के आठ स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 80 आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूडम वाज प्रपोज्ड बाई, कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूडम जानते हो ना, कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूडम, यस बेटा फ्लूडम। तो बेटा ये होता है इन्फेक्शियस लिविंग जो फ्लूड होता है, संक्रामक जीवित तरल। बेंजेरिनेक ने ये स्टेटमेंट दिया था वायरस के रेफरेंस में। और देखिएगा कि 82 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म हैविंग पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल ऑल्सो करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ एक्सपेक्ट, कि जीव में पेलिकल होते हैं उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा यूग्लेनोइड की तरफ जा रहा है। तो देखो कि पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट हायर प्लांट, सही है। बिहेव लाइक हेटरोट्रोफ बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट नहीं होगी तो ये करेक्ट है। और हैविंग सिलिक, ये रॉन्ग है भाई, ये रॉन्ग भाई, सेलवॉल है नहीं तो सिलिकेटेड अविनाशी कोशिका भित्ति वाली सेलवॉल तो है ही नहीं ना बेटा, वो तो इंस्टेड ऑफ ए सेलवॉल पेलिकल है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए बाकी हेट्रोकोन टू टाइप ऑफ फ्लेजिला है, विच वन इज शॉर्ट है और दूसरा क्या है लॉन्ग, कि जैसे जो यूग्लेनोइड आपके होते हैं तो ये इस प्रकार आप जानते हो कि रेजर्वोयर से ये दो फ्लेजिल आपके होते हैं। ओके नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एसोसिएट विद प्रोटिस्टा, निम्न से कौन सी विशेषता प्रोटिस्टा से जुड़ी है। तो जायगोट फॉर्मेशन, हाँ फर्स्ट टाइम सेल फ्यूजन हुआ जायगोट बना, करेक्ट है। प्राइमरीली एक्वेटिक, प्राथमिक रूप से जलीय है, सही है। फ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर आर एबसेंट इन ऑल मेंबर, ये गलत है। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सो वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी है। ओके तो यहाँ बेटा जो 83 क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन तो आप समझ सकते हो कि 83 क्वेश्चन का आंसर बी सी डी ई, मतलब आपसे पूछा है कि कितने फीचर जुड़े हैं, तो बी आप समझ सकते हो सी डी और ई। ओके तो ये आप समझ सकते, इसमें ऑप्शन और हैं कि भाई ए ऑप्शन, इसमें ए लेकिन यहाँ पर क्या ले लिया बी, और फिर क्या ले लिया डी, और क्या ले लिया बेटा ई, तो ये भी करेक्ट है। ओके ऑप्शन इसका क्या होगा बेटा, सेकंड होगा आंसर, आंसर इसका क्या होगा सेकंड आंसर ज़्यादा परफेक्ट होगा। ओके और आप समझ सकते हैं बेटा कि जो 83 क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सेकंड, ए बी डी, क्योंकि इसमें देखो आप जानते हो कि सी ऑप्शन
नहीं आएगा, सी नहीं आएगा ना, तो सेकंड आंसर आपका होगा इसमें। ओके हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 84, और 84 में मैं आपको बताता हूं कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ के लिए गलत कथन को आपको चुनना है। तो बच्चों यहाँ ऑल प्रोटोजोन आर हेटरोट्रॉप एंड लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट, सभी प्रोटोजोआ विषमपोषी और परभक्षियों या परजीवियों के रूप में रहते हैं। ओके तो आप समझ सकते हो कि ये करेक्ट है क्योंकि प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉपी हैं और प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, जंतुओं के पुरातन संबंधी है, तो दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तो ये भी करेक्ट है। और मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, हाँ अमीबॉइड प्रोटोजोन में जिनमें सुडोपोडिया उनमें जो कुछ मैराइन फॉर्म होती है तो उनपे सिलिका कवरिंग होती है, कवच होते हैं सिलिका के, स्पोरोजोन मूव एंड कैप्चर देयर प्रे पुटिंग आउट सुडोपोडिया, ये रॉन्ग है भाई। स्पोरोजोन में तो आपको पता ही, तो नेट 2018 का भी है, स्पोरोजोन में तो कोई लोकोमेटरी ऑर्गन यह बनता ही नहीं है क्योंकि तो एंडोपैरासाइट है ना, वहां पर कोई चल संरचना बनती नहीं है, गमन संरचना, तो ये गलत है भाई। आप देखिएगा कि फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये करेक्ट है, और इन फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया, ये गलत है क्योंकि जो रो ऑफ सीलिया तो किसमें होती है, पैरामीशियम में, तो वो तो सीलेटेड प्रोटोजोन होते हैं, यहाँ पर लिख कसाबी के प्रोटोजोन। तो देखिएगा यहाँ जो 84 क्वेश्चन है उसका आंसर आपका थर्ड है कि 4 और 6 आपसे क्या पूछे, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप जानते हो कि बेटा 4 रॉन्ग है और 6 क्या है, रॉन्ग है भाई, क्योंकि यहाँ सीलिया आते फ्लेजिला दे दिया। ओके तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया थर्ड। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज गलत खतन को आप चुने, तो जो बेटा फंजाई की क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। फाइकोमाइसिटीज सदस्य जो जलीय हाउस में एक्वेटिक हैबिटेट में, और आप समझ सकते हो कि जो मॉइस्ट डिकेइंग वुड है और डैम्प प्लेसेज या ऑब्लिगेट पैरासाइट मस्टर्ड पे एल्बुगो। ओके द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, करेक्ट है कि जब मैनी सेल्स कनेक्ट होती हैं तो सेप्टा नहीं बनता, तो एज कंटिन्यूस ट्यूब, तो एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइटिक। ओके आप जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर, ये भी करेक्ट है। एसेक्सुअल स्पोर आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस, ये रॉन्ग है भाई, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में आपको बता दो कि जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं एंडोजेनसली बनते हैं भाई, हाँ है ना, चाहे वो मोटाइल जूस्पोर हो जूस्पोरेंजियम में और एप्लेनोस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजिया के इनसाइड होते हैं, तो ये अंतरजात अलैंगिक विजन उत्पत्ति में अंतरजात होते हैं फाइको के, एस्को के कोनिडिया एक्जोजेनसली होते हैं ना, ये जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू आइसोगेमस और एनाइसोगेमस और ऊगेमस गैमेट, तो ये भी आप समझ सकते हो कि एक युग्माणु दो समयुग्मक या समयुग्मक चीजों से आपका बनेगा। तो जो आपका बच्चों 85 क्वेश्चन है, 85 का 4 आंसर है, ओनली 4 भाई, आपसे क्या पूछा है, गलत खतन पूछा है, तो यहां पर देखो एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजेनसली है, तो ये 100% क्या बेटा, रॉन्ग है। ओके बाकी एनसेटिक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप देखिएगा 86, चूज द करेक्ट वन फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियो से रिलेटेड बताइएगा बेटा, स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं कि दे ग्रो इन सोयल ऑन लॉग ट्री स्टंप इन लिविंग प्लांट बॉडीज पैरासाइट, ये सही है भाई, वो जो लॉग वृक्ष जो ट्री स्टंप होते हैं या बड़ा पेड़ होता है ठूंट उसके ऊपर। ओके और द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली फाउंड एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट इन प्लाज्मोगेमी ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक है, सोमेटोगेमी होती है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम और प्रोड्यूस 8 बेसिडियो स्पोर, यस और नो। तो आपका जो बेटा देखो 86 क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन, तो 86 क्वेश्चन में बच्चों यहां पर जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, और थर्ड आंसर में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सिक्स ये आपके होगा भाई, है ना। बेसिडियो स्पोर आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, द बेसिडी आर अरेंज फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प, क्लियर। तो फर्स्ट थर्ड यानी आप जानते हो, सेकंड द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली फाउंड, तो ये गलत हो गया ना भाई, जनरली फाउंड नॉट फाउंड आएगा, एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये सही बात है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया भाई। उनमें एसेक्सुअल स्पोर तो बनते हैं ना एलिंगी विजन बेसिडियो के अंदर, एनसीआर में आप देखिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा 87, हाउ मेनी करेक्टर फॉर लाइकेन आर करेक्ट फ्रॉम गिवन करेक्टर्स, दिए गए लक्षणों में कितने लाइकेन से सही है, तो लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बेटा,
फंगल हाइपी या फंगल सेल्स और एल्गल, तो फंगल पार्टनर होता माइकोबायोंट और एल्गल पार्टनर फाइकोबायोंट। तो ये तो है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी फंजाई, ये भी करेक्ट है। द एल्गल कंपोनेंट माइकोएंट, ये गलत है, फंगल होता है और फंगल कंपोनेंट फाइकोएंट, ये भी गलत है, उल्टा लिख दिया ना बेटा। सेवाल घटक को तो आप फाइकोबायोंट कहते हो ना, सेवलांश, और फंगल को आप क्या कहते हो, माइकोबायोंट कहते हो। और ये लाइकेन आर वेरी गुड इंडिकेटर, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं कि जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ ये ग्रो नहीं करते हैं, और SO2 पोल्यूशन में तो सेंसिटिव बिल्कुल ही ग्रो नहीं करेंगे। इसका मतलब कहीं पर लाइकेन की लग्जरेंट ग्रोथ हो रही है तो पोल्यूशन फ्री एरिया है, यस और नो। तो यहाँ पर देखिएगा कि दो स्टेटमेंट गलत है, दो सही हैं। अब आपसे क्या पूछा, करेक्ट, तो दो स्टेटमेंट सही हैं भाई। अब उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा 87 क्वेश्चन का, तो वो बच्चों आप समझ सकते हो कि 87 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि स्टेटमेंट यहाँ फाइव है भाई, फाइव है ना, तो वन और आप समझ सकते हैं टू और थ्री, तो थ्री स्टेटमेंट करेक्ट, थर्ड आंसर हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा 88, बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी। तो जब देखो कवक का शरीर लंबी फंगल, जानते हो ना कि फंगल सेल ऑर्गेनाइज होती है तो फंगल हाइपी बनते हैं, अगर सेप्टा नहीं फॉर्म होंगे तो लॉन्ग सिलेंडर एसेप्टेट, है ना, ये आपकी बात होगी। और द सेलवालो फंगई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, बोथ आर करेक्ट है बस, ओके। तो देखो कि जो 88 क्वेश्चन है उसका आपका आंसर है एसर्शन रीजन बोथ आर ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपकी बात हो ही गई, तो इसमें सेकेंड आंसर हो गया सेकेंड, ओके। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 कि देखो बच्चों मार्क द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, तो करते जाइएगा। एरिस्टोटल एंड अरस्तु वाज द अर्लीस्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ही यूज कॉम्प्लेक्स, ये देखो कॉम्प्लेक्स दे, सिंपल मोर्फोलॉजिकल लिया था उसने, है ना, सिंपल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर लिए थे उसने, सरल आकार के लक्षण वर्दी स्वभाव और हर्ब सर्ब या जो ट्रीज की बात की थी, ट्री सर्ब और हर्ब की, तो यहां अगर सिंपल होता तो सही होता, ये रॉन्ग हो गया भाई, तो फॉल्स हो गया। फंगई हैव सेलुलोज इन देयर सेलवॉल व्हाइल ग्रीन प्लांट काइटिन, ये भी उल्टा लिख दिया, फंगई में काइटिन और ग्रीन प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज होता है ना। उसके बाद द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉट बेस्ड मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी बट इट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक दैट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन रिलेशनशिप बाई द क्लासिफिकेशन नॉट ओनली बेस्ड ऑन बाई मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल इन कैरेक्टर का तो लिया ही लिया, लेकिन इवोल्यूशन रिलेशनशिप लिया तो फाइलोजेनेटिक है, है ना, मतलब उद्विका से संबंध जातिवर्ती, तो सही है। इन नोस्टॉक साइट ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है हेटरोसिस, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, गलत है। कोलेरा टिटनस सिट्रस कैंकर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ये सही है। द माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, करेक्ट है। और आप जानते हो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सही है ना, ये तो ट्रू है। आप देखिए बेटा इसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा वो थर्ड होगा कि देखो शुरू के दो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू, और फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, देखो कि फॉल्स, ये फॉल्स हो गया ना, फिर ट्रू ट्रू, ओके सही है। नेक्स्ट आप देखिएगा लास्ट फाइनल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। हाँ सारे स्टेटमेंट अपने ले लिए, पूरे टॉपिक को कवर कर दिया, और अगला टेस्ट अपना प्लांट किंगडम का है, आसानी से कीजिएगा। 9461357946 पर कोई भी डाउट है पूछिएगा। बच्चों रीड द फॉलोइंग एंड चूज द ऑप्शन विथ ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि भाई इस सारे स्टेटमेंट को पढ़ो, जो इनकरेक्ट है उसको आपको चूज करना है। साइनोबैक्टीरिया कैन लाइव एज सिम्बायंट इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन, गलत आ गया ना, लाइकेन में साइनोबैक्टीरिया, और वो भी एल्गी के साथ, थोड़ी फंजाई के साथ करेगा। और एंड रूट ऑफ हायर प्लांट में तो फंगाई होता ना साई, उसमें पाइनस में, तो ये गलत हो गया भाई। देखो एल्बुगो जो पैरासिट फंजाई मस्टर्ड, ये सही है। एल्बुगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर, तो मस्टर्ड पर पैरासाइट है, फाइकोमाइसिस रिलेटेड है, ये सही है। एस्कोमाइसिटीज ग्रोइंग ऑन कैटल डंग कोप्रोफिलस, जो डंग पे ग्रो करते हैं ना, गोबर पे उगते हैं, वो कोप्रोफिलस होते हैं, सैमलरागी, हाँ है ना, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, करेक्ट है। इन फाइकोमाइसिटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, ये भी करेक्ट है। इन फाइकोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मोटाइल स्पोर कॉल्ड जूस्पोर और बाय नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड एप्लेनोस्पोर, यस स्टेटमेंट आप समझ सकते हो कि एसेक्सुअल जूस्पोर एप्लेनोस्पोर वही बात है ना, बहुत अच्छे से मोटाइल स्पोर कॉल्ड जूस्पोर और बाय नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एस्को
स्पोर गलत, वो तो सेक्सुअल होते हैं बेटा एस्कोमाइसिटीज में, और वो तो कोनिडी होते हैं सेक्सुअल, तो इन बेसिडियो सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, तो ये गलत एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मा में ब्रोट अबाउट फ्यूजन। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 90 क्वेश्चन है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो AGH ने क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है AGH है। देखो ए इनकरेक्ट है, ओके जी इनकरेक्ट है, और जो एच है वो भी इनकरेक्ट है ना, तीन इनकरेक्ट आपके हो गए। ओके तो बच्चों देखो कि ये जो क्वेश्चन सारे आपके हो गए हैं और अच्छे से आपको परफेक्ट सोल्व करना, और भी आंसर देखिएगा, फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट हो तो मैंने मेरे नंबर आपको दे दिए 9461357946, कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। मस्ती से तैयारी करनी है, धीरे धीरे देखो टॉपिक होते जाएंगे, फिर अपन दोबारा रिवीजन करेंगे बायोकेम में, दंगल में। आप तो बस मुस्कराइए, मस्त रहिए और हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।